राहुल गांधी वैसे तो 131 वर्ष पुरानी पार्टी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अब इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी को अपने उपाध्यक्ष की वजह से ही शर्मिंदगी वाला शॉक लग रहा है। लोकसभा के अंदर सोते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें आज देश भर में ट्रेंड कर रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए नए नए बहानों का आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन प्रवक्ताओं की तमाम दलीलें राहुल गांधी की नींद वाली तस्वीरों को ढकने में नाकाम साबित हो रही है। शायद वो भूल गए हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। वैसे व्यंग की भाषा में आप कह सकते हैं कि इस समय कांग्रेस का प्रवक्ता होना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि राहुल गांधी खुद ही अपने प्रवक्ताओं के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी करते रहते हैं। लोकसभा में आज गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर बहस चल रही थी। इस मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की तरफ से बयान दे रहे थे, लेकिन उस समय राहुल गांधी गहरी नींद में सोए हुए थे। हैरानी की बात यह है कि कल इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर भी जा रहे हैं। आज कांग्रेस ने ही संसद में यह मुद्दा उठाया था, खूब इस पर हंगामा भी किया, लेकिन सरकार के जवाब के दौरान खुद राहुल गांधी सो गए। कांग्रेस इस वक्त देश में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सबसे बड़ी हार हुई थी। अब कांग्रेस के सांसदों की संख्या इतनी कम रह गई है कि वो एक मिनी बस में भी आ सकते हैं। इस हार के बाद पहले दिल्ली, फिर हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब असम और केरल में भी जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की राजनीतिक नींद टूट नहीं रही है। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि श्री नरेंद्र भाई जी मोदी के द्वारा जो भी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, क्या बात कर रहे हो, इतना भयंकर धूप है बाहर से हम अंदर जाते हैं तो ठंड में हम आंख बंद करते हैं ताकि वो आंख जो जलन हो रहा है बाहर खड़े होके बोलने का, तो अंदर जाने से थोड़ी आराम मिल जाती है और आप बोलो सोते हैं। संसद में दलित उत्पीड़न पर चर्चा हो रही थी और राहुल गांधी सो रहे थे। राहुल गांधी दिन रात काम करते हैं, थोड़ा ये रिलैक्स करने का मूड आप देख सकता है। नो गवर्नमेंट में रेडी टू गिव अवे दिस ह्यूज। संसद में महंगाई पर चर्चा हुई तो भी राहुल गांधी गहरी नींद में थे। इफेक्ट फ्रॉम द इराक वॉर हैज कम, बट दैट इज नॉट द मेन रीजन। हम मानते हैं कि उनकी रात बहुत लंबी होती है, अस्तित्व में नहीं है 10 रुपए का शेयर अगर नहीं। संसद में जब ललित मोदी पर बहस चली तब भी राहुल गांधी को राजनीतिक झपकी आ गई। तो क्या है, मैं 131 वर्ष पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ये तस्वीरें ताजा ताजा शर्मिंदगी लेकर आई। लोकसभा में आज गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर बहस चल रही थी। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी गहरी नींद में थे। राजनाथ सिंह बहुत देर से दलितों की पिटाई के मुद्दे पर बोल रहे थे और कांग्रेस के सांसद हंगामा कर रहे थे, लेकिन पहली बार जब कैमरा 12:35 पर विपक्ष के बेंच की तरफ गया तो राहुल गांधी सोते हुए पाए। ये तस्वीरें गौर से देखिए, ज्यादातर कांग्रेस के नेता खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चैन से सो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे गृह मंत्री के बयान को गौर से सुन रहे थे। आगे की पंक्ति में बैठी सोनिया गांधी भी मुलायम सिंह के साथ कुछ चर्चा कर रही थी। राहुल गांधी के ठीक बगल में बैठे केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा और बाकी सांसद भी चिल्ला रहे थे। पीछे से गौरव गोगोई भी कुछ कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी सो रहे थे। गृह मंत्री का भाषण खत्म हुआ, इसके ठीक 3 मिनट के बाद 12:38 पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया, लेकिन तब तक राहुल गांधी की नींद खुल चुकी थी। हालांकि उनके हाव भाव बता रहे थे कि उनकी सिर्फ आंखें खुली हैं, मन से वो अभी भी सो ही रहे थे, क्योंकि उनकी पार्टी का हर एक सांसद खड़े होकर विपक्ष को जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी खामोश थे, चुपचाप बैठे थे, इधर उधर देख रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हैरानी की बात तो यह है कि गुजरात में दलितों की पिटाई का मुद्दा कांग्रेस ने ही संसद में उठाया, हंगामा किया और जब संसद में गृह मंत्री ने जवाब दिया तो राहुल गांधी सो गए, वो भी तब जब राहुल गांधी इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कल गुजरात जा रहे हैं।
लेकिन इस शर्मिंदगी पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। पार्टी के प्रवक्ता और नेता तरह तरह के बहाने बनाकर राहुल गांधी का बचाव कर रहे हैं। राहुल गांधी का बचाव करना भी अपने आप में किसी मुश्किल सीट से चुनाव लड़ने के बराबर है। क्या बात कर रहे हो, इतना भयंकर धूप है बाहर से हम अंदर जाते हैं तो ठंड में हम आंख बंद करते हैं ताकि वो आंख जो जलन हो रहा है बाहर खड़े होके बोलने का, तो अंदर जाने से थोड़ी आराम मिल जाती है तो आंख बंद करते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर आ जाए, और आप बोलो सोते हैं, ये कोई तरीका है? राहुल गांधी दिन रात काम करते है, लोगों के लिए काम करते है, और कोई इसका जानकारी मेरे को मालूम नहीं है। फिर कोई एक एमपी टायर्ड हो गया तो ये रिलैक्स करने का मूड आप देख सकता है। ऐसे चीजें कहना ये इमेच्योर थिंग है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो तो वहीं थे, और कोई ऐसा करना कहना कि सो रहे थे, तो ये पर्पसली ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। आपका आरोप है कोई सो रहा था, ये अलग बात है कि ये बिल्कुल निराधार झूठ मिथ्या प्रचार है। जहां मैंने लास्ट चेक किया था अपना कानून और अपने फैक्ट्स, सेलफोन देखना संसद के अंदर या बाहर कोई क्राइम नहीं होता। राहुल गांधी के इस राजनीतिक नींद ने विपक्ष के हाथ में हमले के लिए एक और हथियार थमा दिया है। जब गंभीर चर्चा चल रही होती है और देश के गृहमंत्री जब बयान दे रहे होते हैं तो राहुल गांधी सो रहे होते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी संसद के अंदर सोते हुए पाए गए हैं। इससे पहले भी जब जब गंभीर चर्चाएं होती हैं तब तब राहुल गांधी सोते हैं। हम मानते हैं कि उनकी रात बहुत लंबी होती है और इसलिए उनको लगता है कि सबसे अच्छी जगह संसद है सोने के लिए। कांग्रेस पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, जिनके बारे में प्रचार हो रहा है कि वो घटना स्थल पे जाने वाले हैं, तो जब वो हाउस के अंदर सो रहे हैं, डिबेट चल रहा है इस इशू के ऊपर, इससे भी मालूम पड़ जाता है कि वो कितने गंभीर हैं। वैसे संसद में सोना राहुल गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। ये तस्वीरें 9 जुलाई 2014 की हैं। लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर बहस चल रही थी, राहुल गांधी की पार्टी के लोग बहस कर रहे थे, लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी सो रहे थे। और ये तस्वीरें भी आपको जरूर याद होंगी। 12 अगस्त 2015 को लोकसभा में ललित मोदी के मुद्दे पर बहस हो रही थी। कांग्रेस के आरोपों के घेरे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, लेकिन इस बार भी राहुल गांधी सो रहे थे। कुल मिलाकर अपने उपाध्यक्ष की इन तस्वीरों ने कांग्रेस को शर्मिंदा जरूर कर दिया है। सवाल यह है कि गहरी राजनीतिक नींद में सोए राहुल गांधी कब जागेंगे, क्योंकि हालात चिल्ला चिल्ला कर अब जागने के लिए कह रहे हैं।